25वें स्थापना दिवस में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या वर्षोत्सव 2019 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारा बैंक 124 वर्ष पूर्ण करके 125वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी को विदित होगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में जब एक स्वदेशी बैंक की आवश्यकता महसूस हुई, तब महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की अगुवाई में 12 अप्रैल सन 1895 को एक स्वदेशी बैंक के रूप में हमारे बैंक की स्थापना हुई। बैंक का पहला हेडक्वार्टर अनाज वाली मार्केट लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में था, 1933 में यह हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट हुआ। इसके पश्चात संसद बाग नई दिल्ली, भिकारी काम ऑफिस नई दिल्ली होते हुए अंततः 2017 में प्रधान कार्यालय द्वारका में नवनिर्मित बिल्डिंग, जो कि अत्याधुनिक ग्रीन हेड बिल्डिंग है, में स्थानांतरित हो गया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बिहार के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू व अन्य महान नेताओं के खाते हमारे बैंक में थे, जो कि हमारे लिए गौरव का विषय है। और आज भी यह संबंधित जो फॉर्म्स हैं वो एक निशाने के तौर पर हम भी सजो कर रखे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कर्तव्य ध्वनि से उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने हमारे महान बैंक की नींव रखी। साथियों, ये 124 वर्ष की जो लंबी यात्रा थी, ये आसान नहीं थी। इसमें बैंक ने कहीं उतार चढ़ाव देखे, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस अवधि में 7 बैंकों का हमारे बैंक के साथ विलय हुआ। यह यात्रा आप सभी के सहयोग स्नेह से संभव हो पाई। इस जर्नी को सफलतापूर्वक प्रगति की दिशा में निरंतर बनाए रखने के लिए मैं अपने ग्राहक गण के साथ साथ अपने 7 सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने के कारण ही बैंक इन ऊंचाइयों को छू पाया तथा अभी भी निरंतर प्रगतिशील है। कृपया तालियां बजा के अपने आप का स्वागत करें, क्योंकि अगर आप यह परिश्रम नहीं करते, निरंतर कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन नहीं करते, तो यह असंभव था। यह आप सभी महानुभावों का बैंक के प्रति विश्वास ही है जिससे हमें संबल मिलता है और हम अधिक समर्पित होकर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस अवसर पर मैं सभी 7 सदस्यों के परिवार से आए लोगों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, आज हमारा बैंक पीपल्स बैंक के रूप में जाना जाता है। 7000 से अधिक शाखाएं, 9300 से अधिक ATMs, 56700 से अधिक माइक्रो ATM, 8000 से अधिक BCATMs के माध्यम से देश के अंतिम छोर तक हम उत्तम बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैंक का कुल व्यवसाय 11 लाख करोड़ से अधिक हो गया है तथा ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ से कहीं अधिक हो गई है। हमारे बैंक द्वारा ग्रामीण युवकों एवं युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु 55 आशेटीज कर रहे हैं, जिसमें स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण युवकों युवतियों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे अपने पांवों में खड़े हो सकें, अपने उद्योग चला सकें और स्वावलंबी बन सकें। साथियों, 105 साक्षरता वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से बैंक ग्रामीण युवकों एवं युवतियों को बैंक संबंधी लेन देन की जानकारी देता है, जिससे कि वो सुगमतापूर्वक बैंक से
लेन देन कर सके और अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता है तो उसके संबंध में भी वो सुगमता से बैंक से बातचीत कर सकते हैं। साथियों, गांवों के संपूर्ण विकास के लिए बैंक ने पीएमबी विकास योजना चलाई, जिसके अंतर्गत 178 गांवों को गोद लिया गया, जिसमें बैंक गांवों के बहुमुखी विकास में आर्थिक सहायता देता है। बिहार में ऐसे 24 गांव को गोद लिया गया है। इसी क्रम में पीएमजी लाडली योजना के अंतर्गत ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा हेतु बैंक वजीफा देता है, जिससे बालिकाएं शिक्षित हो सके। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु बैंक वित्त पोषण करता है तथा उन्हें स्वयं का व्यवसाय खोलने में सहायता देता है, ताकि वे स्वावलंबी हो सकें। लगभग 2 लाख से अधिक ऐसे जीस को बैंक ने गठित किया है तथा 1,45,000 से अधिक ऐसे जीस को वित्त पोषित किया है, जिससे लगभग 20 लाख महिलाएं ऐसे जी के माध्यम से बैंक से जुड़ी हैं और 14,50,000 महिलाएं वित्त पोषित।